हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे और अपने पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो चेंजेस होते हैं एनर्जी में, उसे अपन क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वांटा से मतलब है डिसकंटिन्यू फॉर्म, ठीक है। एनर्जी बंडल्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो मैंने बताया था उसमें आपको ग्राउंड स्टेट बता दिया था। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, सबसे लोएस्ट जो एनर्जी स्टेट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा की जो अवस्था होती है यानी कि n बराबर 1, ठीक है, उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर के जितने भी स्टेट होते हैं एनर्जी स्टेट, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी उत्तेजन विभव, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में होता है ईपी। एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी ईपी क्या होता है बेटा, टू कैरी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट required energy is called एक्साइटेशन पोटेंशियल। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से किसी भी उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे एनर्जी स्टेट है आपके पास, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है, ठीक है। ये E1 हो गया, E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया, ठीक है। देखो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, ये तो क्या है आपके जीएस है, ग्राउंड स्टेट है। यहां से इलेक्ट्रॉन को जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां पे जाएगा, सॉरी यहां पे E2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईपी, फर्स्ट ईपी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी ये आपका हो गया सेकेंड ईपी, ठीक है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो थर्ड ईपी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ध्यान रखना फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूं मैं, एन बराबर 5 में जाएगा अगर मैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में एक जोड़ दो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि एनर्जी स्टेट पता चल जाता है, तो हो जाएगा फोर्थ ईपी। अब देखो फर्स्ट ईपी बराबर वही एनर्जी कितना लगेगी फाइनल में से इनिशियल, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां गया A2 माइनस E1, ऐसे सेकंड ईपी बराबर क्या होगा फटाफट से बताओ सोच के,
सेकंड ईपी में इलेक्ट्रॉन कहां गया फाइनली E3 में, E3 माइनस E1। थर्ड ईपी बताओ E4 माइनस E1। फोर्थ ईपी बताओ फटाफट E5 माइनस E1। यानी इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ग्राउंड स्टेट से, ऐसा मत करना कि सेकंड से थर्ड में भेज दिया, थर्ड से फोर्थ में भेज दिया। मैंने कहा टू कैरी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आती बात। टू एनी एक्साइटेड स्टेट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, आपको समझ में आ गया हो फटाफट इसे कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हाइड्रोजन एटम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वितीय उत्तेजन विभव की गणना कीजिए, ठीक है। फटाफट से सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। देखो कैलकुलेट सेकंड ईपी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो जेड बराबर क्या दे रखा है फटाफट से सोचिए, जेड बराबर 1 यानी एटॉमिक नंबर 1। सेकंड ईपी बोला, सेकंड ईपी में भी बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा E3 में और जाएगा कहां से E1 में। हाइड्रोजन के लिए आप सभी को पता है E3 की वैल्यू क्या होती है और E1 की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखो E3 होता है आपका 1.-1.51 माइनस है यहाँ पे, और A1 होता है -13.6, तो -1.51 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 13.6। सॉल्व कीजिए फटाफट से, कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्वेश्चन इस तरीके से होंगे।
कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूँ। कैलकुलेट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईपी इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, या कैलकुलेट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईपी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी तृतीय चतुर्थ पंचम उत्तेजन विभव की कैलकुलेशन कीजिए। तो इस तरीके से आप एक्साइटेशन पोटेंशियल को कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं एक नई चीज सेपरेशन एनर्जी के बारे में। ठीक, बच्चों अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, पृथक्करण ऊर्जा। तो आज अपन ने उत्तेजन विभव पढ़ा। ठीक है, सेपरेशन एनर्जी को कल पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का अगर एक साथ पढ़ लिया तो आपको कंफ्यूजन आएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा छोटा है, बट आप इसमें जो क्वेश्चन दिया उसे आराम से घर पर करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसको वैसे पढ़ाना तो आज ही था, बट दोनों पढ़ाने पे क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन आएगी, तो सेपरेशन एनर्जी कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा पृथक्करण ऊर्जा सेपरेशन एनर्जी। थैंक यू सो मच।